एजेंट वगैरह से बात कर लीजिएगा, आपने ये काम है कि या पासपोर्ट की पिक्चर देखकर आप पेपर खुद निकलवा सकते हैं भाई। 120,000 तकरीबन इसकी फीस होगी। अगर आपने हमसे निकलवाना हो तो हमसे भी रब्ता कर ले, वो कोई मसला नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तो भाई सऊदी वीज़ों का इशू चल पड़ा है और सॉरी, ऊपर से भाई साहब मुझसे बेशुमार व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आते हैं कि आप दोस्तों के, और मैं जितना हो सका यार आपको मैं इसके मुताबिक गाइड कर देता हूँ। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात के पास इल्म है जी, जितना भी है, और वो जिसको चाहे बख्शे जी। तमाम मेरे वो दोस्त परदेसी भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको 8-10 साल 12 साल हो गए हैं, वीडियो के स्टार्ट में मेरी ये 2-4 बातें सुन लें यार, इंशाल्लाह आपके काम ही आएंगी। तमाम जो नए वीज़ा लेकर आना चाह रहे हैं या जो जिनको 2-4-5 साल हो गए यहाँ पर, उनसे इन्फॉर्मेशन ले ले, हो सकता है मुझसे भी बेहतर आपको गाइड करते हैं। वो उस्ताद आदमी है जिनको 10 साल प्लस में हो गए सऊदीया में, बंदा भेती हो जाता है यहाँ के हर मामले का। अब भाई साहब व्हाट्सअप, सॉरी मुझे दरमियान में मैसेज आ रहे हैं जी मुख्तलिफ। अच्छा बहरहाल, ये इनका जो मसला था, ये पाकिस्तान में गए हुए हैं, किसी मसले की सूरत में दोबारा सऊदी आना चाहते हैं, या यहाँ पर इल्लीगल जो मेरे दोस्त भाई अहबाब हैं वो जाकर दोबारा नए वीज़ा से आना आ सकते हैं या नहीं, या यहाँ पर नकल फाला अपना करवा सकते हैं या नहीं, उसके लिए भाई मैं व्हाट्सअप नंबर आपको दिखा रहा हूँ, आप भाई रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको रिप्लाई करता रहूँगा। पाकिस्तान में मौसम अच्छा है जी, और अगर कोई परदेसी भाई छुट्टी जाना चाहे तो जा सकता है, और ये वैसे छुट्टी गुजारने वाला मौसम है। अच्छा, आज मैं खबर के मुतालिक चलता हूँ जी, जो आज की न्यूज़ है सऊदी वीज़ों के मुतालिक, कि सऊदी जवाजात ने वीज़े बंद कर दिए या सऊदी वीज़े यानी कि बंद हो रखे हैं, और कौन से महीने वाले इसमें आएंगे। आप तमाम दोस्त जानते हैं, मैं एक दफ़ा फिर इस खबर के ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा, और वो ये कि जो बाइक राइडर के वीज़े हैं वो सऊदीया के मत बाय करें। बाइक राइडर के जो सऊदीया में वीज़े हैं वो आर्जी तौर, सॉरी जो लाइसेंस हैं वो आर्जी तौर पर बंद हैं, और अगर लाइसेंस बंद है ना तो आप बाइक राइडर बिल्कुल आपका वो वीज़ा बेकार है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे पास कल से बेशुमार बाइक राइडर भाई मैसेज करके अपने मसले शेयर कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला वो आपको साथ में सुनाऊंगा किसी वीडियो में, और अलहदा से एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बना लेंगे। और नंबर दो ये कि साय खास आमल मंजिली और फर्दी मुसस्से के वकाला जो बनते हैं, वकाला बनता है उसके बाद ही वीज़ा भाई पाकिस्तान इशू होता है, तो वो जो वकाला है ना वो बन नहीं रहे हैं, और अगर किसी का बन रहा है तो बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। मैंने तो यहां तक सुना है कि सऊदी को वो बोलते हैं कि मकतबे अमल जाए, मकतबे अमल जाकर वहां पर कुछ फीसें हैं वो दोबारा से पे करें, फिर वो उस वीजे का वकाला नहीं कर रहा है, तो ये वीजे भी थोड़ा इस वक्त डिले करें लेने में। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा वीजा मिल रहा है, जैसा कि मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा दिया, आपने अगर वीजे के मतलब कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने हाल ही में पाकिस्तान में एक दोस्त है, भाई है, उसको वीजा हमने दिया है, और दोस्त ने दिया, यानी कि मैंने नहीं दिया है, लेकिन मुझे वो तरीकाकार उनका बहुत पसंद आया, तो बहरहाल उसके मुतालिक भी मैं एक वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगा। आपने वीजों के मुतालिक अगर कोई पूछना हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये रब्ता और बात लंबी होती जाएगी, टॉपिक के ऊपर चलते हैं। सऊदी अरेबिया के वीज़े बंद, मैंने आपको भाई महीने गिनवा दिए हैं कि फर्दी सायकास आमल मंजिली हारस ये वीज़े अभी डिले करें, मत लें, इनके वकाले वगैरह का इशू चल रहा है। नंबर दो, बाइक राइडर के वीज़े मत लें, यहाँ पर लाइसेंस का इशू चल रहा है, लाइसेंस बंद है तो आप बेकार हैं। अच्छा, क्या इस खबर में सदाकत है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के वीज़े बंद कर रहा है, या क्या मामला है यार। मैं ऐसे तमाम दोस्तों से, आपने सोशल मीडिया के ऊपर इसके मतलब अगर कोई खबर सुनी है या किसी ने पोस्ट शेयर की है, मेरे पास भी कुछ बंदों ने बकायदा वो पोस्टें वगैरह टिकटॉक की वीडियो वगैरह शेयर की हैं। अच्छा, बात करने का मकसद यह है कि ऐसे तमाम दोस्तों से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि खुदारा कोई भी किसी किस्म की तस्दीक के बगैर सोशल मीडिया के ऊपर खबरें मत फैलाएं। ये बेचारी जो आवाम है, जो यहाँ पर हम परदेसी मौजूद है, हम या हम किसी को वीज़ा भेज रहे हैं वो, या जो पाकिस्तान से वीज़ा लेकर सऊदीया का आ रखा है, वो इतना परेशान हो जाता है ऐसी खबर सुनने के बाद, फौरन बंदा ढूंढता है या अपने एजेंट को, या आपको जैसे मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाया, या कोई और उनको भाई मैसेज करता है, भाई ये मसला बन गया यार, ये इसमें कितनी सदाकत है, ये सच्चा है या क्या मामला है। तो यार ऐसी खबरें मत फैलाएं। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया ने ना तो पाकिस्तान के वीज़े बंद किए हैं, और ना ही हाल में कोई किसी किस्म की इसके मतलब बात कही जा रही है। तो जवाजात की तरफ से भी क्लियरली कोई बयान नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया की अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं है। तमाम दोस्त सऊदी के वीज़े लेकर जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको भाई गिनवा दिए हैं उनसे थोड़ा परहेज कर लें, कि वो इस वक्त को थोड़ा बहुत इशू चल रहा है, बाद में वो भी इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। तो बाकी पाकिस्तान में वीज़ा स्टैम्प भी हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है, आप अपना जो भी पाकिस्तान में है निज़ाम जो भी यानी चलता है वो आपने फिंगर करवाने डॉक्टरी वीज़ा स्टैम्पिंग के लिए, सॉरी बाद में डॉक्टरी वगैरह, तो वो तो भाई चले गई, उसके बाद आपका इंशाल्लाह ताला आप सफर कर सकते हैं सऊदीया का,
और अगर रश हो एम्बेसी में तो फिर वीज़ा अगर 20-25 दिन में लगता है तो वो थोड़ा डिले हो जाता है, वो एक मंथ या डेढ़ मंथ के अराउंड में टाइम लग जाता है, यही होता है। तो इंशाल्लाह बाकी कोई इशू नहीं है, बाकी सऊदीया के वीज़े ओपन है, आप भाई ले सकते हैं, आ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं।